भिलाई 3 में नवनिर्मित तहसील कार्यालय भवन का उद्घाटन एवं लोकार्पण शनिवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मुख्य आतिथ्य में संपन्न होगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रुद्र कुमार करेंगे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष कुलदीप सिंह जुनेजा शामिल होंगे। कार्यक्रम की रूपरेखा तय करने चरोदा निगम के महापौर निर्मल कोसरे ने शुक्रवार को सभी जनप्रतिनिधियों की बैठक ली। इस पूरे आयोजन को लेकर महापौर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उद्घाटन को लेकर किस प्रकार की तैयारी की जा रही है? कैसे कार्य भिलाई चरोदा नगर वासियों का बहुत बरसों पुराना मांग रहा कि हमारे भिलाई 3 में तहसील कार्यालय बने। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें विगत दिनों भिलाई को तहसील का दर्जा दिया, जिसकी सौगात हमारे शहरवासियों को मिला। तहसील कार्यालय अभी सिरसा गेट चौक में संचालित हुआ करता था, जिसका नया तहसील भवन हाउसिंग बोर्ड के द्वारा अभी निर्माण किया गया है, जिसका माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही भूमि पूजन किया था और एक वर्ष के अंदर आपको तहसील कार्यालय की सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी देने वाले हैं। 23 तारीख को उसका उद्घाटन करके हम सभी जनता को समर्पित करेंगे। आने वाले समय में भिलाई 3 से लोगों की रजिस्ट्री है, लोगों के जो भी तहसील स्तर के जो काम के लिए पाटन जाना पड़ता था या दुर्ग जाना पड़ता था, वो सारे काम अब भिलाई 3 में होगा। साथ ही साथ भिलाई 3 शहर में पुराना रेस्ट हाउस हुआ करता था, लेकिन अभी 75 लाख रुपए की राशि से माननीय मुख्यमंत्री जी ने रेस्ट हाउस की सौगात भी दी है, जो कि उमदा रोड में हाउसिंग बोर्ड जाने की जो रास्ता है वहाँ पर लोक निर्माण विभाग के द्वारा रेस्ट हाउस का भी निर्माण किया जा रहा है। तो जो वो मूलभूत समस्याएं जो थी उसका निदान माननीय मुख्यमंत्री जी के बनने के बाद लगातार हो रही है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है तहसील कार्यालय बनना, तहसीलदार का नियमित यहाँ पर बैठना। इससे भिलाई चरोदा वासियों में हर्ष का माहौल है और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति सारे कृतज्ञ व्यक्त करने के लिए 23 तारीख को हमारे शहर के लोग प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होकर माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करेंगे।